कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है 23 का बता देता हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग, फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। वीडियो में दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं को नसीहत देते नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सब एक होकर लड़ो, 2023 आखिरी चुनाव है, अगर हार गए तो सब घर बैठ जाएंगे, ढूंढने से भी कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। दिग्विजय सिंह का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कटप्पा जी उधर खड़े, दीदी ये इधर खड़े, तीसरे अलग खड़े, ये थोड़ी काम चलेगा। कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है 23 का बता देता हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग, फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने हिजाब को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हिसाब देते नहीं बन रहा, इसलिए उन्हें हिजाब नजर आ रहा है। हम मांगते हैं इनसे हिसाब किताब और ये हमें सब थमा देते हैं हिजाब। बात यह है कि हर समाज में, हर संप्रदाय में, समुदाय में अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हमारी बहुएं आती हैं तो उनको कहा जाता सर ढको, घूंघट निकालो, होता है कि नहीं अपने मालवा राजस्थान सब जगह। अब मुसलमान लोग उसमें सर ढकते हैं, पल्लू रहता नहीं, हिजाब रहता है। हिजाब क्या है? बुर्का नहीं है, बुर्का और हिजाब में फ़र्क है। तो इसलिए इसका पॉलिटिकल इश्यूज नहीं बनाना चाहिए। फिलहाल देश में कांग्रेस की स्थिति और पार्टी में गुटबाजी को देखकर अब कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी अच्छी तरह से समझ गए हैं, अगर यही स्थिति रही तो कांग्रेस के लिए 2023 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। रतलाम से विजय मीणा की रिपोर्ट, एमपी तक।